अभी नालंदा जिले के कराय पशुराय प्रखंड स्थित मकरौता पंचायत में मौजूद हूँ। हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। आपको बता दूं कि जब इनके पंचायत में घूम रहे तो कहीं ना कहीं इनका चर्चा हो रहा था। चर्चा इस बात की हो रही थी कि कहीं ना कहीं ये समाज सेवा बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। लगातार कितने साल से सेवा कर रहे हैं आप? सेवा हम तो हमारी वाइफ मुखिया थी पहले, अभी हार गए थे तो अभी खुद हम खड़े हुए हैं। बात जब इनकी वाइफ मुखिया थी तो खुद ये पंचायत में घूमकर लोगों का सेवा मदद करते थे। आपको बता दूं कि यहाँ पे 11वां चरण में मतदान है, यानी लास्ट चरण में 12 दिसंबर को मतदान है। तो जब इनके पास आया, जब इनसे बातचीत के दौरान क्या कुछ कहे, आपको इनकी जुबानी सुनाएंगे। जी स्वागत है हमारे चैनल में। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, वर्तमान में जन वितरण प्रणाली भी आपके पास है, पूर्व मुखिया भी आपकी पत्नी रही थी, फिर इस बार आप खुद चुनाव मैदान में आए हैं, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम सर्विस में थे और हम रिटायर कर गए 16 में, तो हम घरे गांव पर हम रहने लगे, तो हमको इच्छा हुआ कि नहीं हमको जनता की सेवा करना चाहिए। और मैं समाज सेवा हम करते रहे, बांध पानी जो होता है नदी से बहाव कटाव उसमें हम लगे रहे, बंधवाए सब लोगों को और पूरे पंचायत को हम हिफाजत किए। क्या लग रहा है पूरे पंचायत को घूम रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, बढ़िया, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है जी। जनता का प्रेम मिल रहा है हमको। जब आपकी पत्नी मुखिया थी 2016 में थी ना, 2011 में, 2016 में थी, 2011 में थी जब आपकी पत्नी मुखिया थी, तो मुखिया रहते हुए पंचायत में क्या कुछ विकास की थी? हमने पंचायत के विकास के लिए यहाँ पावर हाउस बनवाए और 10+2 स्कूल बना, जो अभी बिल्डिंग बना हुआ है। और उस समय तो इतना नल जल का योजना नहीं था, लेकिन विधायक फंड से, लोगों के फंड से, लोगों के प्रेम स्वभाव से गांव में ढलैया उलैया भी हम अपने गांव में करवाए। और जो डिपार्टमेंट होता है इरीगेशन, अमाई इरीगेशन, उसमें पुल पुल का व्यवस्था भी हम करवाए। तो अगर इस बार फिर से अगर आप मुखिया बनते हैं तो पंचायत में क्या कुछ करेंगे, किन किन मुद्दे पे काम करेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो होगा कि यह फ्लड एरिया है और हमारे माथा पर, हमारे पंचायत के माथा पर लोकायन तटबंध है जी। तो सबसे पहले उस विभाग को हम लोग लिख के भेज भी चुके हैं कि सबसे पहले इस तटबंध का कार्य हो जाना चाहिए। और एक है महत्वायन नदी का तटबंध, उस पर भी हम लोगों ने उस विभाग को कार्रवाई करने के लिए कह दिए हैं और आश्वासन मिला है उन लोग विभाग से कि आपको जल्द उस हम काम पूरा कर दिया जाएगा पंचायत का। जैसा कि इनके समर्थन में भी लोग हैं, ग्रामीण हैं, जानना चाहेंगे जैसा कि ये दावा कर रहे हैं कि हम लोगों को सेवा करते हैं, ग्रामीणों को सेवा करते हैं, तो क्या लग रहा है सेवा करते हैं आप लोग? हाँ सर, सेवा में तो कोई दिक्कत नहीं। जब इनकी पत्नी मुखिया थी तब आप लोग के लिए क्या कुछ की थी? जी बहुत भला आए थे सर, गरीब जनता के मैंने खेती बाड़ी नहीं है तो मोड़ी बुन लो, हर ले जाओ पटा लो, पैसा कौड़ी कुछ नहीं, भला तो बड़ी करते हैं सर। क्या कहना चाहेंगे, इनके समर्थन में अभी आए हैं, प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, तो इन्हीं पर क्यों भरोसा? इस मुखिया ऐसा कोई मुखिया नहीं बनेगा, जो भी मुखिया बनेगा लूट घसोट के अपना पेट भर लेगा। हमारे ये नहीं लूटेंगे, नहीं ये चलते, हाँ विश्वास है। मेरे गांव में रहने सहने के शादी ब्याह में बहुत दिक्कत था, ये 2-3 सामुदायिक भवन बनवाए हैं, सरकारी फंड से बनाए लेकिन इन्हीं को रीजन में बना। और जहाँ तहाँ कोई भी चीज गरीब गुरिया को दिक्कत सुगत होता है। पहले जब ये पावर हाउस नहीं था तो यहाँ पे बिजली तो नहीं होगा? नहीं कुछ नहीं था। तो क्या मुखिया जी के द्वारा ही आया? उन्हीं के प्रयास से आया जी, था। जी, जी, हाँ। जी। जब अंधेरा था जी, यहाँ पे और युवा भी हैं, हम चाहेंगे थोड़ा और आगे आ जाइए। जैसे आप एक युवा हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर इन्हीं पे क्यों भरोसा आप किया? क्योंकि ये हर गाँव की और पंचायत की जो भी कार्यक्रम हो, मेरे मिथिलेश सिंह मुखिया जो है, अभी जैसे कॉलेज यहाँ नहीं था, कॉलेज लाने की बात ये किए, अभी तो कॉलेज स्टार्टिंग करने पे है, अभी यहाँ कोर्ट नहीं आया, मगर कोर्ट के मैंने मांग और मिथिलेश दादा ने खुद की है, मुखिया जी जो है अभी फिलहाल ये जो भी अभी कार्यक्रम ढलैया नली गली है, देख रेख सरकार भवन नहीं है, पंचायत भवन में अभी बनवाए, यही बनवाए हैं। और इन पर वादा है कि गाँव की पंचायत, जो भी पंचायत में जो भी गाँव आती है उनको हर जगह पर काम को देख रेख करते हैं जी। जैसा कि इन्होंने ये भी बता रहे हैं, इनके समर्थन में युवा हैं, कि कॉलेज भी इन्होंने खुलवाने का काम किए हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा के मुद्दे पे भी है काम कर चुके हैं। तो कि जैसे आपने शिक्षा के क्षेत्र में पहले काम कर चुके हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि कॉलेज नहीं था तो कॉलेज भी खुलवाने का हमने काम किए हैं, इस पर अगर मुखिया बनते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे आप? सबसे पहले 10+2 स्कूल को चालू करवाएंगे, जिससे कि जो गरीब जनता जो बाहर कॉलेज में पढ़ने नहीं जाता है उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था यहाँ हो जाए। दूसरी बात है, जो भी स्कूल में जो टीचर उचर नहीं आते हैं उस पर जरूर हम ध्यान रखेंगे,
उनके स्कूल के प्रधानाध्यापक से मिलेंगे और कहेंगे कि सब क्लास रुराई चलाइए और सारे शिक्षक की उपस्थिति अति अनिवार्य होगा। ये बात इस चीज़ का हम दबाव बनाएंगे लोगों पर। कहीं ना कहीं इनका बहुत ही बढ़िया मुद्दा है और शिक्षा की इन्होंने बात किया, जैसे हर प्रत्याशी से कहीं रूबरू आपको कराते हैं और ये जो है कि मुखिया बनने से पहले भी करवा चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कॉलेज खुलवाए हैं और मुखिया बनते हैं तो जो 10+2 है उसको सुचारू रूप से संचालित करवाएंगे, ऐसा इन्होंने दावा किया है। पर देखना यह है कि 12 दिसंबर को कितना समर्थन मिलता है, कितना सपोर्ट मिलता है, कितना वोट आता है। पल पल की जानकारी मतगणना के दिन आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहे जीटीवी बिहार न्यूज। बाबू मत घबराना, जीतेगे भाई जीतेगे।